अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज सुबह सवेरे तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, छत पे आ गए हूँ। तो कहीं बाहर जाना है काम से, मैंने सोचा पहले परिंदों को दाना और पानी देकर फिर बाद में चला जाऊँ। जी दोस्तों, पहले ये कॉकटेल के पास ले चलेंगे, रात के टाइम ये काले चने भिगो के रखता हूँ, तो ये कॉकटेल और रंगने को देकर आएँगे पहले, और बाद में आपको एक सरप्राइज़ भी है तो वो भी दिखाऊँगा। तो चलकर पहले ये कॉकटेल को देते हैं। जी दोस्तों, कॉकटेल के भी कनोली में और रिंगने के भी कनोली में भिगोए चने डाल दिए हैं और कॉकटेल को दो मरतबा देता हूँ। माशाल्लाह बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 3 उस मटकी में और सॉरी बॉक्स में और 4 बॉक्स में हैं, तो माशाल्लाह ये ज़्यादा खाते हैं, तो इनको दो मरतबा दे देता हूँ। ये अभी दिए इनको, फिर शाम के टाइम या रात के टाइम दोबारा इनके कनोली में दाना डाल दूंगा और मिक्स दाना भी इनको दे देता हूँ, यहाँ बाजरा दे देता हूँ। जी दोस्तों, इनके बॉक्स भी चेक करते हैं और 2 दिन से तकरीबन मैंने चेक नहीं किए। ओए दोस्तों, ये देखें, ये पता नहीं कैसे एक्सपायर हो गया है। सुबह सुबह बैड न्यूज़। ये देखें, इतना बड़ा हो चुका है, पता नहीं किस वजह से ये। और माशाल्लाह वो तीनों बिल्कुल, वो तो काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, इसकी पूरी टेल वगैरह भी निकल आई है काफ़ी। ये पता नहीं किस वजह से, इसके पोट में दाना भी नहीं है, पता नहीं किस वजह से ये एक्सपायर हो गया है। मैंने 2 दिन से चेक भी नहीं किए थे। इसको इस तरफ रख देते हैं और उसके भी बच्चे चेक करते हैं, ला करें वो बिल्कुल ठीक हो। 3 बच्चे इसमें भी बॉक्स में हैं, शुक्र है ये माशाल्लाह तीनों ठीक हैं। 3 बच्चे इसमें और 4 बच्चे उसमें थे, अब उस मटकी में भी और उस बॉक्स में भी 3 बच्चे हो गए माशाल्लाह। 2 तो और 3 तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इनके पोट भी चेक करते हैं, इनके पोट में भी खुराक पड़ी हुई है, चेक कर दें, इसके भी पोट में थोड़ी सी खुराक पड़ी हुई है माशाल्लाह। ये बड़े हो चुके हैं, वो पता नहीं किस वजह से एक्सपायर हो गया, तो इसको मैंने बाहर निकाल कर रख दिया है, इसको भी बाहर जाकर मिट्टी में दफना देंगे। सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ मिली है, कॉकटेल का एक बेबी एक्सपायर हो चुका है। तकरीबन 2 दिन से मैंने इनके बॉक्स चेक नहीं किए थे, इस वजह से ही चेक नहीं किए थे। ये हो सकता है ये डर कर और उन्हें अपने बच्चों को फीड ना करवाएं, तो इस वजह से ही मैं इनको बार बार चेक नहीं कर रहा था। पता नहीं अब किस वजह से, शायद उन्होंने फीड ना करवाई हो या कुछ और मसला बना हो, पता नहीं किस वजह से ये। मैं आपको बता रहा था कि आज एक खुशखबरी आपको बताऊंगा, वो खुशखबरी ये, शिराजी ने माशाल्लाह दोबारा अंडे दिए हुए हैं, 1 अंडा इन्होंने दिया, 1 अंडा मेरे ख्याल में कल या परसों तक देंगे। और अंडों पर मेल बैठा हुआ है, फीमेल ऊपर बैठी हुई है, और इनका इस मरतबा मैंने सेटअप भी अलग ही बनाया है, इस वजह से कि ये दोबारा अंडे तोड़े ना, शायद ये लड़ाई वगैरह दूसरे कबूतरों के साथ करते हैं, तो पिछली मरतबा भी इन्होंने इस वजह से ही अंडे तोड़ दिए थे, तो इस मरतबा मैंने इनका सेटअप भी अलग कर दिया है, तो इनका सही से इस मरतबा ध्यान करेंगे और इनको सही से खुराक वगैरह भी अंदर ही देंगे, थोड़ी देर खोल कर फिर इनको बंद कर देंगे, जैसे दूसरे कबूतरों के साथ इनकी लड़ाई वगैरह ना हो, तो ये दोबारा अंडे ना तोड़ें, तो इस मरतबा इनका सही से ध्यान करेंगे। जी दोस्तों, जो 35 सालों के नीचे मैंने अंडे रखे हुए थे, उसमें से एक बच्चा माशाल्लाह ये देखें काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसे इसे सही से माशाल्लाह फीड भी करवा रहे हैं, काफ़ी सेहतमंद है, ये अच्छे से उसको पाल भी रहे हैं। और चलकर दूसरे कबूतरों के भी बच्चे आपको दिखाता हूँ, इनको भी मैंने खोल दिया है और इनके भी बच्चे चेक करें माशाल्लाह, ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये भी अपने माशाल्लाह बच्चों को सही से फीड करवा रहे हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद बना है। और एक दूसरा बच्चा ये बैठा हुआ है, इसको भी माशाल्लाह, ये भी दोनों के पोट में माशाल्लाह सही से फीड भी पड़ी भरी हुई है। और इन्होंने भी दोबारा ये तिनके जमा किए हैं, मगर अंडे अभी तक नहीं दिए, मेरे ख्याल में आज या कल तक ये भी अंडे देंगे। कबूतरों को भी दाना डाल दिया है और जो ब्रीडर जोड़े पड़े हुए हैं उनका भी दाना ख़त्म हो गया था, तो उनके भी बर्तन में दाना डाल दिया है। और नीचे राह भी काफ़ी टाइम से बोलता जा रहा है, और लव बर्ड ग्रेजावा और जो बजरी वाले जो पट्ठे हैं उनके भी बर्तनों में दाना पानी मैंने डाल दिया है, तो जाना है मुझे बाहर, तो बाद में आकर इनको शाम के टाइम आकर इनको देखूंगा। जी दोस्तों, सुबह से गया हुआ था बाहर
और शुक्र है कि परिंदों को खोलकर भी गया था और दाना पानी भी देकर गया था। मैंने समझा शायद एक दो घंटा लग जाएगा, मगर काफ़ी टाइम लग गया मुझे और अभी अभी पहुँचा हूँ, तकरीबन 3 बज रहे हैं इस टाइम। मिठू मियाँ को भी छत पर लेकर आया हूँ, तो इसको भी रखते हैं इस तरफ, तो ये भी दूसरे परिंदों को देखेगा तो खुश हो जाएगा। और खरगोशों के लिए थोड़ी सी गाजरें लेकर आया हूँ, तो ये भी इनके केज में डाल देते हैं। तो चलकर कोकटेल को भी देखते हैं, शायद वो भी चिल्ला रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनकी भी आवाज़ आ रही है, तो उनको भी चलकर देखते हैं। शायद उनका भी दाना ख़त्म हो गया, इस वजह से वो इतनी आवाज़ें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उनको भी चलकर देखते हैं, उनकी काफ़ी आवाज़ आ रही है जी। दोस्तों ये इस वजह से ये इतना शोर मचा रहा है, इनका दाना भी ख़त्म हो गया था जो सुबह देकर गया हूँ मैं इनको, तो इनको मिक्सी दाना भी डाल देते हैं थोड़ा सा, इतना सा इनके लिए काफ़ी रहेगा। और इनके लिए अलग दूसरा अब मैंने दाना भिगो कर रखा हुआ है, वो रात के टाइम तकरीबन 8-9 बजे तक वो डाल दूँगा इनके कनोली में, जब तक ये खुश्क दाना ये मिक्स दाना जो पड़ा हुआ है इनके पास वो खा लेंगे। इनके बच्चे भी चेक करते हैं, इनका बच्चा आज एक सुबह के टाइम भी एक्सपायर हो गया था, दूसरे के पोर्ट चेक करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने इनको सही से फीड करवाई हुई है, तीनों को माशाल्लाह सही से फीड करवाई, इनके पोर्ट भरे हुए हैं। आज इनका सुबह भी एक बच्चा एक्सपायर हो गया था। कबूतरों को भी भिगोई हुई रोटी सुबह मैंने पानी में भिगो कर रखी थी, तो अभी इनको डाल दिए और खा रहे हैं। ये बड़े शौक से भिगोई हुई रोटी खाते हैं, और ग्रेजावा के लिए भी पानी लेकर आया हूँ, लव बर्ड के लिए भी, तो इनके कनोली में और खरगोशों की कनोली में पानी डाल देंगे, जो ये भी पानी पियेंगे। सुबह भी इनको मैं देकर गया था, और बजी जो ब्रीडर जुड़े हैं इनको भी सुबह दाना और पानी देकर गया था मैं, माशाल्लाह अभी ये भी खा पी कर बैठे हुए हैं। और इनके ऊपर मैंने ये गद्दा रख दिया था, सुबह 10-11 बजे तक इनके केज के ऊपर धूप आ जाती है, तो इस वजह से लव बर्ड को भी और ग्रेजावा और ऑस्ट्रेलियन जो पट्टे हैं इनको भी दाना दे दिया है। ये दाना पानी खा पी कर बड़े आराम से बैठे हुए हैं, और इन्होंने ये जो कोने में मटकी लगी हुई है इसमें भी इन्होंने दोबारा से अंडे दे दिए हैं, और दूसरी मटकी में भी ये बैठ रहे हैं। और खरगोश गाजरें खाकर बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ये देखें बड़े आराम से जी। दोस्तों लव बर्ड के बारे में सोच रहा हूँ, इनके लिए भी कोई सेटअप बनाएं, काफ़ी टाइम से ये छोटे केज में पड़े हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलियन जो भी ये पट्टे पड़े हुए हैं सबको इनको पट्टों को निकाल कर दूसरे केज में रखें, और इन लव बर्ड को इसी बड़े केज में छोड़ दें, और इनके लिए यहाँ मटकियाँ भी लगाएंगे तो ये बड़े आराम से रहेंगे इसमें जी। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन के पट्टे हैं वो सब के सब इस केज में शिफ्ट कर दें, और इसमें 2 35 वाले जोड़े पड़े हैं वो दोनों जोड़े निकाल कर उन कबूतरों के साथ ही रख दें उनको, क्योंकि वो खुद तो अंडे देते नहीं, काफ़ी टाइम से लेकर आए हूँ तो वो अंडे ही नहीं दे रहे। ये केज काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ी सेटिंग करानी पड़ेगी, इसके ऊपर ये शीट वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई, तो ये लोहे की चादर लेकर आए हूँ, ये लोहे की चादर इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। और पिछली तरफ ऐसे ही दीवार है खाली खुला हुआ है पीछे की तरफ से, तो पीछे की तरफ से जाली लगानी पड़ेगी, और जो भी पट्टे है ऑस्ट्रेलियन के वो सारे पट्टे यहाँ से निकाल कर इस केज में शिफ्ट कर देंगे, ये केज भी अंदर यहाँ कहीं कोने में रख देंगे, और यहाँ पर ये मटकियाँ वगैरह लगा कर लव बर्ड को खोल देंगे, तो इनके लिए बड़ा सेटअप बन जाएगा लव बर्ड के लिए। और ग्रेजावा के लिए भी कोई लोहे का केज बनाना पड़ेगा, अलग से मंगवाना पड़ेगा, वो मंगवाएंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही। और इनके लिए भी ये भी काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, ग्रेजावा भी और लव बर्ड भी, मुझे कुछ और भी लेकर आने हैं तो इनके लिए अलग सेटअप बनाएंगे फिर से जी। दोस्तों इसमें 35 सालों का एक बच्चा पड़ा हुआ है, शायद इनको यहाँ से उठाकर उस तरफ रखें शिफ्ट करें, तो ये शायद अपने बच्चे को फीड ना करवाएं, तो बस कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये जब बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद ही इनका सेटअप चेंज करेंगे लव बर्ड का, और ये पट्टे जो पड़े हुए इनका सेटअप चेंज करेंगे। और वीडियो का भी यही एंड करते हैं, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।